बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया, क्यों पीटा। शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुमार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक उबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है, जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं, माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है। कर्ण, तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। दुर्योधन, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया तो ये हमें बताएगा नहीं ना? हे प्रभु, अज्ञातवास प्रारंभ हो चुका है। मेरे पुत्रों को सकुशल रखना, अपने शत्रु की दृष्टि से बचाए रखना। भाग्य हमारे पक्ष में, गौरव अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाए। हम उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते।
यदि आज फिर से वनवास भी गया तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा कर जाऊंगा। ये तो ध्वंस पूर्ण होने पर पता चलेगा अर्जुन कि किसे वीर गति मिलेगी और कौन स्वर्ग जाएगा। कर्ण, कौन है वहां? वहां पर पांडव है क्या? पांडव है यहां। ये दीपक मेरे पुत्रों के प्रतीक, इन्हें मैं बुझने नहीं दे सकती। दुर्योधन, देखो ये हमें भटका रहा है। नहीं मामाश्री, कर्ण मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा। दुर्योधन, कुछ समय पूर्व इस कर्ण ने जो हमारे साथ किया वो क्या था? हाथ में आए हुए पांडवों को जाने का अवसर दिया इसने। नहीं मामाश्री। दुर्योधन, मुझे इस कर्ण पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इसने यदि कहा कि पांडव यहाँ है तो निश्चित रूप से पांडव वहां नहीं है। मेरा विश्वास करो, पांडव नहीं है वहां। मेरा विश्वास करो, हमें पांडवों को पकड़ना है। एक एक पल वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। दुर्योधन, मैं कह रहा हूं मेरा विश्वास करो, आओ मेरे साथ। मामा श्री कह रहा है तुम्हारा, इस पर विश्वास करोगे तुम? इस पर? आओ चलो दुर्योधन। मत समझना कि मैं तुम्हें देहावश छोड़ रहा हूं, परंतु आज हमारे द्वंद्व का दिन नहीं है। आज हमारा द्वंद्व पूर्ण नहीं होगा और अगले 12 वर्ष मैं द्वंद्व की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एक वर्ष पश्चात हम फिर मिलेंगे अर्जुन, जब तुम्हारा अज्ञातवास पूर्ण हो जाएगा।
तब हमारे मध्य और कोई नहीं होगा। मैं जीवन में कभी कर्ण जैसे पुरुष से नहीं मिला। कदाचित ये हमारे पक्ष में होता। फिर से बच के निकल गए वो पांडव, फिर से बच के निकल गए मामा श्री। दुर्योधन, लगता है इस समय भाग्य उनके साथ है। परंतु वर्ष में 6 बार ऋतु बदलते हैं, 6 बार, पूरा 1 वर्ष है हमारे पास। हमारा भी समय आएगा दुर्योधन, अवश्य आएगा, अवश्य। परंतु अब बहुत रात्रि हो चुकी है, अब रात्रि के इस अंधकार में उन पांडवों का पीछा करना असंभव होगा। अब क्या करना है? इसका निर्णय हस्तिनापुर जाकर ही करेंगे। कहाँ खोए हो महारथी? प्रणिपात केशव, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्योंकि मन उद्विग्न है, द्वन अधूरा छोड़कर आ गए। हाँ, पाषाण बनकर जिस जल में गिरे थे उसी के साथ छल किया अंगराज। क्या इसे मैं ये संकेत समझूं कि तुम न्याय के पक्ष में आ रहे हो? आप तो सब जानते हैं केशव। हाँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने का अलग ही आनंद है मित्र। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, मैंने छल नहीं किया, मैंने छल रोकने का प्रयास किया है। प्रयास किया है कि द्यूत में जो अधर्म हुआ उसे धर्म युद्ध से धोया जा सके। और यदि इसे कोई छल मानता भी है तो मेरा मानना है कि एक महान लक्ष्य के लिए एक असत्य का पाप चढ़ भी जाए कोई बुराई नहीं। और वैसे भी मेरे कंधों पर श्राप का बोझ इतना बड़ा है कि एक छोटे से पाप का बोझ कोई अंतर नहीं डालेगा वासुदेव।
आज्ञा दीजिए वासुदेव। विश्राम कर ले आले पुत्र। लगी है यहां तो आसपास जल भी नहीं दिखता। अनुज भीम वो देखो जल पक्षी, यहाँ जल अवश्य होगा। ज्येष्ठ मैं जाकर जल लेकर आता हूं। रुक जाओ, ये सरोवर मेरा है। इसका जल उपयोग में लेने से पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, परंतु तुम इतना जान लो मैं पांडुपुत्र नकुल हूं, गुरुवंशज महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन का अनुज। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। ये वीर भोग्य वसुंधरा है, मुझमें बल है और मैं जल लूंगा। प्रणिपात माताश्री, यशस्वी भव, आपने मुझे स्मरण किया। सुना मैंने कल क्या हुआ, किस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को फिर वनवास जाने से रोका। धन्यवाद करना था तुम्हारा, परंतु मन में एक प्रश्न है जिनका तुम दमन करना चाहते थे। उन्हें क्यों छोड़ दिए? प्रतिज्ञा ली थी कि युद्ध में आपके पुत्रों को पराजित करूंगा, इसलिए जाने दिया। अर्थात? अर्थात वो युद्ध में अवश्य पराजित होंगे। परंतु एक वचन भी है कि आपके पुत्र
एक वर्ष का अज्ञातवास अवश्य पूर्ण करेंगे। आज्ञा दीजिए माताश्री।